A1 B1 फार्मूले में A1 B1 हम किसे किसके लिए लगाते थे? A1 प्रेजेंट, B1 सिंपल और इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में से क्या कहते हैं? हाल सादा। ये पहला टेंस है। अलामात उर्दू में आप ऐसे टेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है? ये अल्फाज जिन सेंटेंसेस के आखिर में आते हैं वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं और फिर वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, then add s or es to the verb form. First form of the verb के साथ s या es तब लगाते हैं जब यह तो गई he वाहिद गायब है, वो जाता है, he goes। वो जाते हैं, वो जाती है, she goes। वो जाते हैं, they go। क्योंकि ये वाहिद गायब नहीं है, गायब है लेकिन जमा है। दो और दो चार होते हैं, इसके इसके अंग्रेजी क्या होती है? टू एंड टू मेक 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 फोर है या मेक फोर? मेक मेक नहीं है, मेक मेक टू एंड टू, ये दो दे हो गया, इट नहीं हो, टू एंड टू दे हो गया। सब्जेक्ट जब जमा वाइब है तो टू एंड टू मेक फोर। मैं जाता हूं, आई गो, आई गो। हम जाते हैं, वी गो, वी गो, वी गो। तुम जाते हो, यू यू गो, यू गो। मैं जाती हूँ, यू गो, तुम जाते हो, मैं जाती हूँ, आई गो। वो भी है, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, आई गो। ये हो गया स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स जिसे आप अभी तक एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते थे, हम कहेंगे को स्टेटमेंट। जिसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस कहते थे उसे हम कहेंगे नेगेशन, और जिसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते थे अभी तक उसे हम कहेंगे क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट, नेगेशन, क्वेश्चन, ये तीन हर टेंस में ये तीन पार्ट्स हम करेंगे। नेगेशन में क्या करेंगे? सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट पास, और फिर फुल स्टॉप। वर्ब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर हो तो डज आएगा ही शेड के साथ, और बाकी सीरो में डू आए। मसलन वो जाते हैं, दे नहीं जाते हैं, वो जाता है, वो नहीं जाता, दे डू नॉट, ही डज नॉट, गो, वो नहीं जाती, शी डजंट गो, शी डजंट गो। वो नहीं जाते, दे डजंट गो, दे डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, आई डोंट गो। तुम नहीं जाते, यू डोंट गो। हम नहीं जाते, वी डोंट गो, वी डोंट गो।
तो ये निगेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे आप कहते हैं क्वेश्चंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन हर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसे इब्तिदा में लगाया जाता है। यह ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू एंड डज। डू और डज। तो डू आ डज इब्तिदा में, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन की नकल क्वेश्चन मार्क। क्या वो जाता है? डज ही गो। क्या वो जाता है? Does she go? Does she go? क्या वो जाते हैं? Do they go? Do they go? क्या मैं जाता हूँ? Do I go? क्या हम जाते हैं? Do we go? Do we go? Do we go? क्या तुम जाते हो? Do we go? Do you go? Do you go? चौथा जो इसका हिस्सा है, negative questions या इंटररोगेटिव क्वेश्चंस या रेटोरिकल क्वेश्चंस। नेगेटिव, इंटररोगेटिव, रेटोरिकल क्वेश्चंस। चूंकि ये क्वेश्चंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज, डू या डज फिर इब्तिदा में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर नॉट लगाते हैं, आखिर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। मसलन क्या वो नहीं जाता? Does he not go? Yes, he not go. इसे हम शॉर्ट इस तरह भी कह सकते हैं, doesn't he go? क्या वो नहीं जाते? Does she not go? या doesn't she go? क्या वो नहीं जाते? Don't they go? या डू दे नॉट गो? क्या मैं नहीं जाता? डोंट आई गो? डू आई नॉट गो? क्या हम नहीं जाते? डोंट वी गो? डू वी नॉट गो? क्या तुम नहीं जाते? डोंट यू गो? Do you not go? Do you not go? Yeah, don't you go? जब शॉर्ट फॉर्म डोंट आता है डू नॉट के बजाय तो फिर ये इब्तिदा में। अगर डू नॉट आप इस्तेमाल करते हैं तो डू और नॉट के दरमियान में सब्जेक्ट। तो ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार हिस्से, केस के स्टेटमेंट्स या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे आते हैं, इसका निगेशन या इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं या इंटररोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, और इसके नेगेटिव क्वेश्चंस या इंटररोगेटिव नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंसेस भी इसे कहते हैं। नेगेटिव इंटररोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चंस, रेटोरिकल क्वेश्चंस, ये कैसे बनते हैं। तो ये चार हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। Yeah,